नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आम की कलम बांधना सिखाने जा रहा हूँ। आम में कलम बनाने की तकनीक। कलम बांधना वह क्रिया है जिसमें दो एक ही जाति के पौधे के कटे भाग इस प्रकार बांधे जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए और नए पौधे के रूप में बढ़ने लगे। आम में कलम बांधने के अनेकों तरीके हैं, पर सबसे प्रसिद्ध और अपनाया जाने वाला तरीका है फन्नी कलम बांधना, जिसे हम पेज ग्राफ्टिंग और क्लैप ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इस तकनीक को अपनाने से पहले हम बीजू आम का रूट स्टॉक यानी मूल वृत्त तैयार करते हैं। इसमें पहले वर्ष गुठली यानी कि बीज की बुआई नर्सरी में कर देते हैं। बीज के अंकुरण होने के बाद 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी में बेड बनाकर लगा देते हैं। बेड की चौड़ाई 3 फीट और लंबाई अपनी सुविधा के अनुसार रखनी चाहिए। कलम बांधने के लिए बड स्टिक को तैयार करने के लिए हम आम के मदर प्लांट से नई निकली शाखाओं में से सबसे स्वस्थ शाखा का चयन करते हैं। शाखा की अग्र भाग से पत्तियों को सिकेटियर की मदद से काट ले और उसे एक सप्ताह के लिए पेड़ में लगा छोड़ देते हैं। एक सप्ताह के बाद पत्ती का निचला भाग झड़ जाता है और अग्र भाग से बड्स फूटने लगते हैं। इस अवस्था में बड्स स्टिक से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई में काट लेते हैं। यह बड़ स्टिक कलम बांधने के लिए एकदम तैयार है। कलम बांधने के लिए रूट स्टॉक को सिकेटियर की मदद से जमीन से 15 से 18 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काटने के बाद तने के मध्य भाग में 4 से 5 सेमी गहरा कट ग्राफ्टिंग नाइफ की मदद से लगा दें। इतनी ही लंबाई का बड़ स्टिक के निचले भाग में वी आकार छीलते हैं। इस छीले हुए बड़ स्टिक को रूट स्टॉक के कटे हुए भाग में लगा देते हैं। लगाने के बाद इसे अच्छी तरह दबा देते हैं ताकि पौधे का बड़ स्टिक और रूट स्टॉक का केवियम अच्छी तरह से संपर्क में आ जाए। इस जोड़ को अच्छी तरह बांधने के लिए पॉलीथीन की पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और लंबाई तकरीबन 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस पॉलीथीन को हाथ की मदद से जोड़ के आसपास बांध लेना है। इस जोड़ को जुड़ने में 1.5 से 2 महीना लगता है। इस जोड़ से तैयार की हुई पौध कलमी पौध कहलाती है। यहाँ कलम बांधने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। कलम तैयार करने में ध्यान देने योग्य बात है, बड स्टिक और रूट स्टॉक की मोटाई एक समान होनी चाहिए। प्लास्टिक से इसे सही तरीके से बांधना चाहिए, मतलब कि ढीला या खुला नहीं छोड़ना। ग्राफ्टिंग का कार्य समय से करना चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए योग्य समय जुलाई से अगस्त महीने का समय सबसे अच्छा माना जाता है। ग्राफ्टिंग में उपयोग में आने वाले औजार जैसे कि सिकेटियर और नाइफ साफ और तेज होने चाहिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर से हमें बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।